हेलो गाइज, मैं हूँ देव। और हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और इन सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। डीएनए के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कि जनक से संतति में जाता है। और यह डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर के जाता है। डीएनए से ये आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। और आज हम इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है जिसमें दो श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, और इन नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडिनिन व थायमिन के मध्य दो हाइड्रोजन बंध व ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन बंध ही दोनों श्रृंखलाओं को बांधे रखने का काम करते हैं। जब ये हाइड्रोजन बंध टूटते हैं तो दोनों श्रृंखलाएं अलग-अलग हो जाती हैं, तथा इन दो पुरानी श्रृंखलाओं पर दो नई श्रृंखलाएं आकर के जुड़ती हैं, जिससे दो डीएनए का निर्माण होता है। इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की एक पुरानी श्रृंखला पर नई श्रृंखला का निर्माण सतत रूप से होता है, यानी कि रेगुलर रूप से होता है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि डीएनए की दूसरी पुरानी श्रृंखला पर नई श्रृंखला का निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, यानी कि छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। इसे उकाजाकी खंड कहते हैं। ये खंड लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे दो नए डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए के इन कुंडलनों को खोलने का कार्य टोपो आइसोमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, तथा डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं को अलग करने का कार्य हेलिकेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। हेलिकेज एंजाइम दोनों श्रृंखलाओं के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देता है, जिससे दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। डीएनए की ये दोनों श्रृंखलाएं वी या वाई आकार में खुलती हैं। जनक से संतति में ये आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा ही पहुंचती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बहुत से एंजाइम काम में आते हैं। इसमें से पहला है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम डीएनए के कुंडलनों को खोलने का काम करता है, तथा दूसरा है हेलिकेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करता है, जिससे दोनों श्रृंखलाएं अलग-अलग हो जाती हैं। थर्ड है डीएनए लाइगेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए के दो खंडों को जोड़ने का काम करता है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बनने वाली दोनों श्रृंखलाओं पर नई श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम डीएनए लाइकेज एंजाइम करता है। फोर्थ एंड पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए की पुरानी श्रृंखला पर नई श्रृंखला के लिए न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण करता है। विभिन्न प्रकार की किरणें जैसे एक्सरे, वायरे या आयनिक किरणें डीएनए की संरचना को क्षति पहुंचाती हैं। ये किरणें मुक्त मूलकों का निर्माण करती हैं। ये मुक्त मूलक डीएनए में उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़ देते हैं, जिससे डीएनए में क्षति उत्पन्न हो जाती है।